आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दांतों में होने वाले दर्द और दांतों में ठंडे या गर्म पानी पीने से सनसनाहट और झंझनाहट होती है, तो उसके लिए आज मैं बिल्कुल ऐसे उपाय बता दूंगा जो आप अपने अगर घर में कर लेंगे तो आपको 5 मिनट में ही आप इसका असर देख लेंगे कि इसका असर ऐसा है कि ये पद्धति जो मैं बता दे रहा हूँ ये सैकड़ों साल पुरानी है, हम सभी जानते हैं। पर आप ये कहेंगे, अरे इसे तो मैं जानता था पर मैंने कभी किया नहीं, मैं कोई बाहर से। हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, हम जैसे ठंडे पानी या ठंडा पानी पीते के साथ दांतों में एक तेज झंझनाहट होने लगती है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिसको आपको अगर 5 से 10 मिनट कर लिए तो ये आपकी लाइफ बन जाएगी। आपके जो दांत हिलते हैं वो जम जाएंगे और दांतों में जो सनसनाहट या दांतों में दर्द या दांतों में कीड़ा लग गया है ये तुरंत ही ख़त्म कर देगा। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लौंग ले लेंगे। लौंग जो बनिए की दुकान में मिल जाती है, लौंग लेंगे। दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है उसे डेंटिन हाइपोसेंसिटिविक भी हम लोग बोलते हैं, जिस कारण हम हॉस्पिटल के चक्कर भी काटते हैं। हॉस्पिटल में हमें क्या सुझाव दिया जाता है, सेंसिविटी ख़त्म करने के लिए आपको एक पेस्ट लिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसी पेस्ट से करते रहिए। मैं एक पेस्ट का नाम मैंने एक खोज निकाला कि क्यों ना इसके पीछे लगा जाए और इसकी इसको कैसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और ये एक बात का आप ये ध्यान रखेंगे कि दांतों में जो आपके पीलापन हो गए, दांतों में जो पीलापन हो गए ना, उसको ये बिल्कुल वाइट कर देगा। इस बात का मुझे पूरा अनुभव है, मैंने इस नुस्खे को बहुत लोगों पे प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। ये आप ज़रूर अपने में शामिल कीजिएगा। आप क्या गलती कर रहे हैं कि रात में आप क्या करते हैं, जैसे मीठा खा लेते हैं। मीठा खाने से क्या होता है ना कि हमारे दांत के जो बीच में जो गैपिंग होता है उस मीठे का कुछ अंश फंस जाता है। ये समझ लीजिए कि आपके ये दो दांत हैं तो इनमें जो बीच में गैपिंग होते हैं उनमें फंस जाते हैं। तो आज इसको ख़त्म करने के लिए मैं एक ऐसा उपाय बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मसूड़े दांत जो होते हैं ना, मसूड़ों से कभी नीचे आ जाते हैं, मसूड़े घिसने लगते हैं। घिसने का कारण ये है कि हमारा ब्रश, ये जो ब्रश है ना, ब्रश हम लोग करते हैं, ब्रश से जो दांतों पे ये दांत है और ये मांस है। अगर हम इस पे रगड़ते हैं दांत पे तो ये कुछ नहीं होता है, ये अगर मांस पे रगड़ाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो मसूड़े हैं ना उसको ढीला करते हैं और ये ढीला होने के कारण दांत हमारा नीचे चल जाता है और नीचे के कारण दांत में दर्द हो जाने लगती है, दांतों में झंझनाहट होती है, दांतों में तकलीफें बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैं कोई इधर कुछ नहीं आपको करना है, बस 5 से 10 मिनट तक आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप अपने यूज में ज़रूर लें। इसको आप जब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है रात में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। आपने सुना होगा कि डॉक्टर सेंसिटिविटी, या आप ऐड में भी देखे होंगे कि क्या आपकी पेस्ट में नमक है, तो ये बात बताने के लिए उन्होंने भी तो कुछ रिसर्च किया होगा ना कि क्या आपके पेस्ट में नमक है। तो नमक जो होती है ना वो हमारे दांतों को संरक्षण देती है और मसूड़ों को टाइट करती है। तो मैं मसूड़ों के लिए सबसे उत्तम उपाय बता देता हूँ, दांतों में जो सनसनाहट है, जो झंझनाहट है, उसको दूर करने के लिए बिल्कुल सरल उपाय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गन्ने जो बाज़ार में मिलते हैं ना, उनको आप एक ले लीजिए, जितना इच्छा हो उसको चबाइए। उसको चबाने से क्या होता है ना
दांतों की जो कसरत हो जाती है, दांत की जो कसरत होती है, जो आपके मसूड़े ढीले हो रहे हैं उनमें कड़क आ जाएगी, वो कसाव बनाएगा। तो ये कर ले, जितना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा तुर ले, जितना आपकी इच्छा होगा। इससे क्या होगा ना, अगर आपके पेट साफ नहीं रहते उससे साफ होते हैं। तो मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ, तो गन्ना आप ले लें, उसको चबाएं, चबा 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 कर उसके रस को निकाल दें और गन्ने के जो छिलके हैं उसको फेंक दें। दूसरा जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो बिल्कुल आपको क्या करना है कि नमक जो वाइट वाला जो होता है, जो पैकेट वाला जो बाज़ार में मिलता है, उसे आप नहीं रेफर करेंगे। मैं उसका अनुभव नहीं किया, मैं इस चीज़ का अनुभव किया और मैं आपको दिखा दे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये ले लेना है, ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक आप इसका प्रयोग ज़रूर करके देखें। प्रयोग मैं पहले बता देता हूँ कि आपके अगर ब्रश बहुत ज़्यादा मिट्टी में इसको रगड़ लीजिए, ये गंदा कर लीजिए, बहुत काला कर लीजिए, और सेंधा नमक इसमें चुटकी भर एक गिलास पानी लेंगे। इतने बड़े साइज के होने चाहिए, करीब 500 ml पानी ले लेंगे। आपको 500 ml पानी को आपको अपने अनुसार जितना आपका मन करे, जितनी मतलब ऐसा हो कि उसमें इसका टेस्ट आ जाए। टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। इतना आप ले लेंगे टेस्ट के समान। और इसमें क्या करेंगे, दो लौंग ज़रूरी है दांतों के लिए, बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है लौंग। और ये सेंधा नमक, इन दोनों का आपको पानी में थोड़ा सा उबाल करना है। लौंग को अच्छी तरह से भूख लेंगे, जब इसकी रंगत आ जाए, पानी का कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तब आपको क्या करना है, जितना आपकी सहन शक्ति हो थोड़ा बॉयल करके पानी को लेना है और आपको 5 से 10 मिनट तक एक कुल्ला आपको ले लेना मुँह में, और मुँह में कचर कचर करना, कचर 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 कर करना है। कम से कम ये प्रतिक्रिया आपको 10 से 15 मिनट करना है। 10 से 15 मिनट करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दांत में जो सेंसिविटी है वो ख़त्म होने, जो दांतों के बीच इनेमल या पीलापन है उसको भी वाइट में बदल देगा। मैं इस बात का पूरा अनुभव, और आप खुद आजमा कर देखेंगे, 2 से 4-5 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होने लगा। मैं जब इसका अनुभव किया, जब इसको देखा, तो मैं ताज्जुब रह गया। मेरे ब्रश, ये जो ब्रश है ना, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, अभी मैं उसको डुबा के ला, जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। मैं देख के हैरान रह गया कि क्या अद्भुत चीज़ है। इसको आप प्रयोग में ज़रूर लाएँ। और मैं ज़्यादा को वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं खींचते हुए, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, उन दोस्तों उन माताओं बहनों को भी ज़रूर बताएं। आपको अगर इससे फ़ायदा हो तो उन रिश्तेदारों को भी बताएं जो इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आजकल जो है ना, सैकड़ों लोग डॉक्टर के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। बस सेंसिटिविटी टेस्ट लिखवा देंगे आपको, वो करते रहिए, 500 का, 100 ग्राम 500 का, 300 का। मैंने ऐसा दुनिया का कोई भी पेस्ट नहीं है जो नहीं किया, लेकिन इसके करने के बाद मैं सारा पेस्ट छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता हूँ, बिल्कुल अपने घर पे मंजन बना के, नीम के पत्तों से मैं मंजन बनाया है। मैं वो भी आपको अगले वीडियो में मौका मिला तो ज़रूर बता दूँगा।